बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिक्स पावर स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 216। दूसरा इक्वेशन है सिक्स पावर स्क्वायर रूट के अंदर ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 216। इस इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वन का, और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर टू का। सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन को ले लेंगे, वो क्या है, वो है सिक्स पावर स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 216। फिर क्या करेंगे, ये 216 है स्क्वायर रूट के अंदर, इनको ले लेंगे। तो इनको इस तरह लिख सकते हैं ना कि सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स, स्क्वायर रूट की जगह पावर में वन ओवर टू लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इनसे क्या बनता है, सिक्स पावर थ्री होल पावर वन ओवर टू। तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 216 है, ये बराबर आ जाएगा किसके, सिक्स पावर थ्री और टू। फिर क्या करेंगे, इनकी जगह इनको लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ सिक्स पावर स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स पावर थ्री और टू। इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो रूल क्या है, ए पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एन, वो बराबर होता है एम इज इक्वल टू एन के। तो इन दोनों को भी इस तरह करेंगे, आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री ओवर टू। फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर किसके बराबर थे, नाइन के, और टू स्क्वायर फोर के, और उसको नाम देते इक्वेशन नंबर थ्री का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू को ले लेंगे, वो क्या है, सिक्स पावर स्क्वायर रूट के अंदर ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 216। फिर क्या करेंगे, 216 है, इनकी जगह लिख देंगे सिक्स पावर थ्री ओवर टू। तो यह आ जाएगा सिक्स पावर में स्क्वायर रूट के अंदर ए माइनस बी इज इक्वल टू इनकी जगह सिक्स पावर थ्री ओवर टू। फिर इनको रूल के मुताबिक करेंगे तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री ओवर टू, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर नाइन और टू स्क्वायर फोर की, और इसको नाम है इक्वेशन नंबर फोर का। फिर क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर थ्री और फोर को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू नाइन ओवर फोर, ए माइनस बी इज इक्वल टू नाइन ओवर फोर। तो यहाँ आ जाएगा, इनको ऐड करने के बाद टू ए, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नाइन ओवर फोर प्लस नाइन ओवर फोर, यहाँ इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक डिनोमिनेटर लिख देंगे यानी फोर को लिख देंगे, और नाइन और नाइन को ऐड करेंगे तो इनसे आता है एटीन। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ वन ओवर टू लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे
और इधर भी वन और टू लिख देंगे डैश के साथ, और यहाँ टू वन ज़ार टू, टू नाइन ज़ार एटीन, तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू नाइन ओवर फोर। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई नाइन ओवर फोर। फिर क्या करेंगे, बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो उनके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री को ले लेंगे। वो क्या है, वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू नाइन ओवर फोर। तो यहाँ ए की जगह किसको पुट करेंगे, इस ए की जगह नाइन ओवर फोर को, प्लस बी इज इक्वल टू नाइन ओवर फोर। फिर इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा बी इज इक्वल टू नाइन ओवर फोर माइनस नाइन ओवर फोर। तो यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू ज़ीरो। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई ज़ीरो। ए की वैल्यू आई थी नाइन ओवर फोर और बी की वैल्यू आ गई ज़ीरो।